एक तो कम बारिश के कारण किसानों पर कहर बरस ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिले में ठनका गिरने से लगातार दो दिनों से लोगों की मौत हो रही है। ठनका गिरने से रोहतास जिले में टोटल 6 मौत बताया जा रहा है। चिनारी प्रखंड में 3 मौत हुई है और नोखा प्रखंड में 2 मौत हुई है। इसी के साथ साथ नौहट्टा से भी 1 मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिता पुत्र की मौत एक ही साथ नोखा गाँव से अपने काम को लेकर अकोढ़ी गोला जाने के क्रम में ठनका गिरने से हुई। उसके बाद 6 लोगों की पोस्टमार्टम सासाराम के सदर अस्पताल में अलग अलग गांव की कराई गई। इस बात की खबर देते हुए सिविल सर्जन केन तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इसी के साथ साथ परिजनों ने भी इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। नोखा कुछ काम के लिए जहाँ वहाँ से लौट के आ रहे थे तो सिरखिंडा जो लक है जालिम टोला के पास बिजली गिर गया, दोनों लोग स्पॉट डेथ हो गए जी। कितने लोग की मौत है? दो। आप कौन है? एक मेरा पिताजी है, एक मेरा छोटा भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? अकोढ़ी के। अच्छा, अकोढ़ी के रहने वाले हैं। कौन थाना? अकोढ़ी गोला। आपका क्या नाम है? रंजन कुमार। ये घटना कहाँ पे हुआ है, कौन थाना क्षेत्र में? ये नोखा थाना। ठीक। वो आकाशीय बिजली से मौत हो गया है। कहाँ पर हुआ है? बादलगढ़ में, किनारे थाना में। कितने लोगों की मौत है? एक आदमी का हुआ है मौत, ऐसे कल 2 महिला को हो गया था रामगढ़ में, चिनारी थाना पड़ता है। आप कौन हैं? हम चिनारी थाना चौकीदार हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पासवान। कब की घटना है ये? करीब आपको 11 बजे लगभग में घटना। क्या घटना हुआ है? ऊपर से बिजली गिरल घटना बनी। आकाशीय बिजली गिरने से क्या हुआ, मौत हो गया है? हाँ, मौत। किनका मौत हुआ है? भरत कुमार। आप कौन हैं उनका? बाप। बाबूजी। पिताजी हैं। कितना उम्र होगा भरत कुमार का? 22 साल। 22 साल। आपका क्या नाम है? जगदीश। कौन सा गांव है? बादलगढ़। और कोई घायल है? हाँ, संजय बना। क्या नाम है? संजय चेरो। और मिथिलेश पासी। मतलब 3 आदमी घायल थे जिसमें एक की मौत हो गया है? 2 आदमी घायल हैं सर, 1 आदमी मौत। हाँ, आपका क्या नाम है? शंकर पासी। कल लिया जाए तो आज मैंने 6 हो गया। कल चिनारी का 2 हुआ था पोस्टमार्टम, आज सुबह 1 नौहट्टा का हुआ, 3 अभी पोस्टमार्टम हुआ था। इसमें 2 बाप बेटा मैंने है नोखा का, 1 बादलगढ़ का है चिनारी।